गोंदिया जिले के गांव अयोध्या में श्री राम मंदिर की खुशी में उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गोंदिया के काटी बिरसोला में ग्रामीण 22 जनवरी के लिए 3 से 4 दिन पहले से ही अपने घरों के सामने रंगोली बना रहे हैं। त्योहार के लिए इसी तरह चुकी राम सीता की रथ यात्रा घर के सामने से गुजर रही है, इसलिए वे राम सीता की पूजा के लिए घर के सामने आरती कर रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। उसी तरह राम व सीता की पूजा कर रहे हैं, जबकि 22वें दिन से पहले ही बड़े पैमाने पर जुलूस शुरू हो गया है, जिसमें हर गांव में बड़े बड़े उत्सव में डीजे बजाते हैं और गाना गाते हैं। ऐसी तस्वीर फिलहाल गोंदिया जिले में देखने को मिल रही है। देखिए, हम कोरनी विट्ठल रुक्मणी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में काम करते हैं और जैसा कि 22 तारीख को आपको मालूम है, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में रामलला जी की स्थापना होने वाली, तो पूरा देश दिवाली मनाए। उस संदर्भ में हमारे क्षेत्र में पिछले 18 तारीख से ये यात्रा निकली और इस यात्रा के माध्यम से हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में रंगोलियां अभी से मांडी जा रही है और उसी प्रकार हर घर में राम जी की जब पालकी आ रही है तो हर भक्त उनका स्वागत कर रहा है। पूरा क्षेत्र 18 तारीख से ही, आज से 3 से 4 दिन बाकी है 22 तारीख को आने को, अभी से ही पूरा क्षेत्र दिवाली मना रहा है और पूरा क्षेत्र ये दिवालीमय हो चुका है और राममय हो चुका है। 22 तारीख को हर गांव में, हमारे क्षेत्र में हर गांव के मंदिरों में पूजा होने वाली है, हर मोहल्ले वाइज महाप्रसादी बंटने वाली है, हर गांव में करीब करीब भक्ति संगीत के कार्यक्रम है। कोरनी विट्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट द्वारा कोरनी घाट पर भी एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम है शाम 5 बजे से 8 बजे तक, और हर गाँव में जिस समय 12:39 पे जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे उसी समय हर गांव के हर छोटे बड़े मंदिर में पूरे क्षेत्रवासी पूजा याचना करने वाले, उसी प्रकार शाम को दिवाली के रूप में पूरे जश्न के साथ पूरे गांव में उस राम जी के आगमन का आनंद मनाने वाले हैं। NBC न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।